तो बच्चों अब करते हैं हम नाइनटीन क्वेश्चन और ये क्या कह रहा है बच्चों ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन बच्चों यहाँ देखिए डिप्रेशन आया है एलिवेशन नहीं आया है. तो चलो उस पर भी हम गौर करेंगे अभी ऑफ़ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन किलोमीटर स्टोन या फिर माइल स्टोन भी बोल सकता हूँ मैं ठीक है ड्यू ड्यू ईस्ट आर फाउंड टू बी थर्टी डिग्री एंड फोर्टी फाइव डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू स्टोन्स फ्राम द फुट ऑफ द हिल तब से पहले तो बच्चों एक हिल बना लेते हैं देखिए एक हिल मैंने ऐसे करके बना लिया ये एक पहाड़ है समझ लो ठीक है मैं यहाँ इसको डाइग्राम बना देता हूँ ये एक पहाड़ है बच्चों हम डाइग्राम बनाते थे, थे। बचपन में याद होगा आपको ऐसे है ना मेरे तो आपको बताइए कितनी अच्छी ड्राॅइंग है तो ये मैंने हिल बनाया और क्या कह रहा है ये आ, लेट सपोज़ यहाँ पर ये इसकी चोटी है ठीक है अब ये कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल द एंगल ऑफ डिप्रेशन अब डिप्रेशन मतलब यहां से देखो यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव किलोमीटर स्टोन अब यहाँ पे दो किलोमीटर स्टोन है तो मैं एक काम करता हूँ हिलना ऐसे कर कर बना देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो तो ये मैंने इसकी चोटी बना दी पहाड़ की ठीक है ये ऐसे कर कर मैंने इसकी पहाड़ की चोटी बना दी ता, ताकि आपको दिक्कत ना हो क्योंकि पहाड़ ऐसे कर कर आप हाँ इसको मैं ऐसे बनाया देता ठीक है ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो तो देखिए यहाँ पे इसका ये टॉप है ठीक है ये इसका टॉप है पहाड़ का ऐसे करके पहाड़ बनाया मैंने ठीक है अब कह रहा है कि दो किलोमीटर स्टोन है अब देखो किलोमीटर स्टोन है तो एक जगह पे यहाँ पे होगा और एक जगह पे उसी लिमिटेड आगे पे एक किलोमीटर आगे यहाँ पे होगा ठीक है तो यहाँ से जो डिप्रेशन बन रहा है ठीक है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा होगा देखो एक है थर्टी तो यहाँ पे मैं थर्टी लिख देता हूँ थर्टी डिग्री और ये पूरा फोर्टी फाइव डिग्री है, अब देखो मैं क्या करता हूँ बाय इसको मैं ऐसे इसको जोड़ लेता हूँ क्योंकि ग्राउंड है ठीक है अब देखो बाय अब ऐसे करके मैं यहाँ से एक पहाड़ क्योंकि पहाड़ में फिर वो ढंग से नहीं बढ़ रहा ना तो देखो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन तो ऊपर से बना देखो थर्टी और ये फोर्टी फाइव तो ये क्या होगा ऑल्टरनेट एंगल्स में यहाँ पे थर्टी डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे फोर्टी फाइव डिग्री होगा मैंने बताया था आपको हमेशा आगे फोर्टी फाइव बड़ा एंगल होता है पीछे हमेशा छोटा एंगल होता है ठीक है अब देखो ये किलोमीटर स्टोन है माइल्ड स्टोन है तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होने वाला है वन किलोमीटर होने वाला है अरे आपने देखा नहीं है जब आप घूमने जाते हो तो ऐसे कर कर एक माइल्ड स्टोन होता है लिखा रहता है कि आ, डेली टू सिक्सटी किलोमीटर्स तो ऐसे यही वो किलोमीटर स्टोन है इसी को बोलते है माइल्ड स्टोन तो इन दोनों के बीच की दूरी ऑब्वियस सी बात है एक किलोमीटर की होती है है ना तो देखो मैंने यहाँ पर वो पहाड़ बनाया पर वो क्या आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने ऐसे कर कर ये पहाड़ है ये पूरा पहाड़ टाइप का ये इसको पीछे छोड़ दो ये है ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो नया बना देता हूँ ठीक है तो ये हो जाएगा थर्टी डिग्री ये हो जाएगा फोर्टी फाइव डिग्री ठीक है अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है वन किलोमीटर क्योंकि माइल्ड स्टोन है या, या स्टोन किलोमीटर स्टोन है ठीक है तो अब क्या कह रहा है ये ये मेरा हिल हो गया बच्चों ये पूरा मेरा हिल हो गया यहाँ से यहाँ तक हिल की हाइट है ये मेरी और इसकी हाइट को ना मैं एक्स ले लेता हूँ क्या ले लेता हूँ बच्चों एक्स ले लेता हूँ क्या ले, ले लेता हूँ फिर से बोल रहा हूँ एक्स ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ए बी सी और डी मेंशन कर देता हूँ अब बच्चों बोल रहा फाइंड द डिस्टेंस ऑफ टू किलोमीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल यहाँ से इन दोनों की ये जो माइल्ड स्टोन है इनके क्या निकालना है मुझे डिस्टेंस निकाला तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से इस यहाँ तक की डिस्टेंस ठीक है तो बच्चों देखिए पहले मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी मैं छोटा वाला ट्राइंगल लेता हूँ देखो ए बी सी तो मैं काम करता हूँ देखिए इस पर मैं यहाँ पे हिल हिल को मैंने क्या लिया तो हिल लेट हिल की हाइट हिल की हाइट को मैंने क्या लिया बच्चों एक्स ले लिया तो देखिए इसको मैंने एक्स लिया तो ये लिख सकता हूँ मैं टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्योंकि आपको पता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले और टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो देखो मैं यहाँ से मैंने तीन मारा परपेंडिकुलर मेरा क्या है हिल की हाइट विच इज़ एक्स और ये क्या है सी बी विच इज़ बेस तो ठीक है तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन मैं इसको बेस लिख लूँ और या फिर मैं लिख लूँ इसको सी बी कोई दिक्कत की बात नहीं और टेन फोर्टी फाइव कितना होता है बच्चों वन होता है ये बेस मैं इधर या फिर सी बी क्या हो जाएगा मेरे पे एक्स तो ये सी बी भी मेरे पे एक्स हो गया और हिल की हाइट ए बी भी मेरे पे एक्स हो गया ठीक है इस केस से मेरे को ये समझ में आ गया अब सेकेंड केस लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ए बी डी अब इस पूरे ट्राइंगल को लेता हूँ फिर यहाँ पे मैं टेन की फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये हो जाएगा बच्चों टेन थर्टी डिग्री इक्व टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस ठीक है और इस केस में बच्चों बेस क्या हो जाने वाला है वन किलोमीटर प्लस एक्स ठीक है तो देखिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर तो मेरे पे एक्स ही रहने वाला है और बेस हो जाएगा मेरे पे वन किलोमीटर प्लस एक्स और वन किलोमीटर आपको पता है बच्चों कितने मीटर के बराबर होता है थाउजेंड मीटर के बराबर होता है इसको करना ज़रूरी है क्योंकि आप इसको ना मीटर क्योंकि हमें अब किलोमीटर में तो आ, अच्छा नहीं लगे वैसे तो आप किलोमीटर में भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है किलोमीटर में भी आ सकता है पर जो हिल की हाइट आएगी वो हमेशा मीटर्स में ही निकाला करो ठीक है या फिर आप किलोमीटर में निकाल सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं तो फिर किलो किलोमीटर में अगर निकालोगे तो फिर आपको फिर दिक्कत ये होगी कि दोबारा से उसको मीटर में करना पड़ेगा है ना चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं आप तो ये हो जाएगा टेन थर्टी डिग्री को मैं वन अपॉन रूट थ्री इक्वल्स टू एक्स अपॉन थाउजेंड प्लस एक्स लिख सकता हूँ अब इसको मैं इधर करता हूँ मल्टीप्लाई इसको मैं इधर करता हूँ तो आगे मुझे क्या मिलेगा थाउजेंड प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई क्या तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री एक्स अब क्या है बच्चों मैं इस एक्स को फिर इधर फेंकूंगा तो थाउजेंड इक्वल्स टू अंडर रूट थ्री एक्स माइनस एक्स इन दोनों में बच्चों एक्स कॉमन है तो मैं एक्स ले लेता हूँ अंडर रूट थ्री माइनस वन इक्वल uh, यहाँ पे थाउजेंड ठीक है और ये पूरा का पूरा नीचे उतर जाएगा एज इट इज़ तो ये हो जाएगा बच्चों क्या x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पे x इक्वल्स टू थाउजेंड अपॉन अंडर रूट थ्री माइनस वन राइट अब बच्चों फिर से क्या रैशनलाइज कर देता हूँ मैं अब रैशनलाइज कर देंगे तो बड़ा इजीली हो जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा अंडर रूट थ्री प्लस वन यहाँ पे अंडर रूट थ्री प्लस वन तो ये हो जाएगा बच्चों थाउजेंड अंडर रूट थ्री प्लस थाउजेंड होल अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज थ्री माइनस वन थ्री अंडर रूट थ्री का स्क्वायर होता है थ्री और माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है तो ये हो जाएगा बच्चों थाउजेंड अंडर रूट थ्री प्लस थाउजेंड होल अपॉन टू ये टू इससे भी होगा ये टू इससे भी होगा दोनों से ही होगा तो ये हो जाएगा बच्चों कितना ये हो जाएगा थाउजेंड अंडर रूट थ्री अपॉन टू प्लस थाउजेंड अपॉन टू ये हो जाएगा बच्चों फाइव हंड्रेड अंडर रूट थ्री प्लस फाइव हंड्रेड ठीक है अब ये अंडर रूट थ्री की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ बच्चों तो क्या मिलने वाली है मुझको इस देखिए या फिर आप इन फाइव हंड्रेड को पूरे को क्या ले लो कॉमा ले लो अंडर रूट थ्री प्लस वन भी कर सकते हो बस अब क्या करना है आपको फाइव हंड्रेड वैल्यू रखनी है अंडर रूट थ्री होती है वन पॉइंट सेवन थ्री प्लस वन और ये हो जाएगा बच्चों कितना मेरा वन थ्री इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको ये होगा आपका टू इसको प्लस करोगे सॉरी टू पॉइंट सेवन थ्री होगा और टू पॉइंट सेवन थ्री से फाइव हंड्रेड को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा वन सिक्स वन थ्री सिक्स फाइव मीटर्स तो ये बच्चों हम पे एक्स आ चुका है और एक्स क्या था बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे हम आ जाते हैं तो देखिए ये जो एक्स था ना ये कितना था हमारा वन थ्री सिक्स फाइव मीटर्स ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है वन सिक्स वन थ्री सिक्स फाइव मीटर्स आ गई ये एक्स ये भी ये भी हमारा वन थ्री सिक्स फाइव है पर उसने क्वेश्चन क्या पूछा उसने दोनों हिल के फुट से यहाँ के फुट यहाँ हिल के फुट से यहाँ यहाँ की और यहाँ की डिस्टेंस पूछी तो यहाँ से बी से सी तक की जो पहला हिल के फुट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है वन थ्री सिक्स फाइव मीटर्स और डी की डिस्टेंस कितनी है यहाँ से बी से और डी की डिस्टेंस है वन थ्री सिक्स फाइव प्लस एक किलोमीटर मतलब हज़ार तो ये हो जाएगा टू थ्री सिक्स फाइव मीटर तो देखो फुट के हिल से मेरे को दोनों माइल्ड स्टोन का पता चल चुका है तो देखो कितना ईजी क्वेश्चन था ये भी है ना चलो अब करते हैं हम ट्वेंटी एथ क्वेश्चन